हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। मैं आपका फेवरेट प्रोफेसर प्रोफेसर प्रीतिश विभूति आपके लिए एक बार फिर से लेके आया हूँ एक टॉपिक विजिटिंग और रीविजिटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर नेट सेट एंड गेट एग्जामिनेशन से। और वो टॉपिक जो आज हम देखने वाले वो है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम नोन एज अ फीफो। तो फीफो एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी है और जैसे कि नाम से पता चलता है यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट किया जाता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है, जो पेज सबसे पहले मेमोरी में आया था उसी पेज को सबसे पहले मेमोरी से निकाल दिया जाएगा। उसके पीछे की फिलॉसफी है कि जो सबसे पहले मेमोरी में आया होगा शायद उसका काम अभी तक कंप्लीट हो चुका होगा क्योंकि उसको मेमोरी में सबसे ज़्यादा टाइम मिला है। बट प्रैक्टिकली हर बार ऐसा नहीं होता, तो इसीलिए इस पर्टिकुलर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू अदर एल्गोरिदम इतना अच्छा नहीं है। बट स्टिल ये एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल पॉलिसी है फॉर रिप्लेसिंग अ पेजेस। तो चलो एक एग्जाम्पल से देखते हैं और फिर हम इसका डिटेल एनालिसिस देखेंगे। नाउ सी, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ पेजेस बीन रिक्वेस्ट। तो ये वो सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में पेजेस को रिक्वेस्ट किया गया। तो सबसे पहले पेज नंबर 7 को रिक्वेस्ट किया गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पेज फ्रेम साइज हमने कंसिडर किया वो पेज फ्रेम साइज 3 है। तो आप ये देख सकते हैं 1, 2, 3 ऐसे तीन लोकेशन हमारे पास है। तो सबसे पहले जैसे पेज नंबर 7 रिक्वेस्ट हुआ तो आपको एक एल्गोरिदम एग्जीक्यूट करना है जिसकी सबसे पहली स्टेप है कि चेक वेदर दैट पर्टिकुलर पेज इज अवेलेबल इन मेमोरी और नॉट। तो चलो अभी हम देखते हैं। ये देखो मेमोरी पूरी खाली है और ये जो पहला पेज हमने रिक्वेस्ट किया पेज नंबर 7 मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, तो पहला क्राइटेरिया फेल हो गया। नाउ लेट्स चेक अ सेकंड क्राइटेरिया, इफ देयर इज नो पेज और दैट पेज इज नॉट अवेलेबल चेक वेदर एनी एम्प्टी स्लॉट इज अवेलेबल और नॉट। कोई खाली स्लॉट अवेलेबल है क्या, अगर है तो उस स्लॉट को आपको रिप्लेस करना है, करेक्ट है। नाउ यू कैन सी तीनों के तीनों स्लॉट खाली है तो यहाँ पे हमने पहला रिप्लेसमेंट कर दिया एंड दैट इज टू डू दैट पर्टिकुलर रिप्लेसमेंट हमने पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को कॉल किया था। तो यहाँ पे पेज फॉल्ट जनरेट हुआ। नाउ आई एम यूजिंग दिस एरोज टू इंडिकेट अ पेज फॉल्ट। नाउ चलो अब हमें चाहिए दूसरा पेज। ये पहले लोकेशन पे पेज नंबर 7 पहले से अगेन 0, 0 चेक करो मेमोरी में अवेलेबल है क्या, नहीं अवेलेबल। एम्प्टी स्लॉट अवेलेबल है, हाँ है, तो हमने यहाँ पे 0 को डाल दिया। नाउ टेक दिस इज अगेन अ पेज फॉल्ट। तो ये भी कैसे पेज फॉल्ट की, क्योंकि पेज नंबर 0 मेमोरी में अवेलेबल नहीं था। नाउ पेज नंबर 1 अगेन, ये दोनों पेजेस पहले से एज इट इज मेमोरी में प्रेजेंट है और पेज नंबर 1 रिक्वेस्ट हुआ। पेज नंबर 1 मेमोरी में अवेलेबल है क्या, आंसर टू क्वेश्चन इज नो। पहले पेज नंबर सिर्फ 7 और 0 अवेलेबल है। तो दूसरा क्वेश्चन, कोई एम्प्टी स्लॉट अवेलेबल क्या, हाँ अवेलेबल है, तो वहाँ पे उस पेज को डाल दो। तो हमने यहाँ पे उसे डाल दिया। तो इस तरीके से पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है। काफ़ी सिंपल है और इनफैक्ट सारे के सारे एल्गोरिदम पेज रिप्लेसमेंट के रिलेटेड, चाहे वो LRU हो, चाहे वो ऑप्टिमल हो या फीफो हो, उसमें ये पार्ट कॉमन होता है। तो इतने पार्ट में वो सारे एल्गोरिदम सेम है। तो नेक्स्ट एल्गोरिदम हम इस पॉइंट तक पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अब हमें क्या चाहिए, ये देखो यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा। अब हमें पेज नंबर 2 चाहिए, अगेन चेक वेदर इट इज अवेलेबल इन मेमोरी, आंसर टू द क्वेश्चन इज नो, ये मेमोरी में पहले से अवेलेबल नहीं है। देन चेक कोई खाली स्लॉट है क्या, नहीं, मेमोरी सारी भरी हुई है। अब तीसरा और आखिरी पॉइंट आ रहा है, अगर ऐसा नहीं है तो आपको पेज फॉल्ट जनरेट करना है और ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करना है टू रिप्लेस एनी पेज। और जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल होता है वो क्या करता है, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम या पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को कॉल करता है, जो कि फीफो। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से जो सबसे पहले मेमोरी में आया था उसे सबसे पहले रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब हमें यहाँ पे ये ढूंढना पड़ेगा कि इन तीन पेजेस में से सबसे ओल्डेस्ट या सबसे पुराना पेज कौन सा है। बट याद रखना गाइस, हम यहाँ पे शॉर्टकट टिक्स के लिए आए और वो शॉर्टकट टिक्स है जो मेरे मेथड है इन्वेंटेड, उस मेथड का नाम है क्लॉक मेथड। तो क्लॉक मेथड में क्या होता है, जैसे कि घड़ी आपने देखी होगी, क्लॉक कैसे काम करता है, 0 और 1 से लेके वो घूमते हुए जाता है 12 तक, और जैसे 12 कंप्लीट होता है वो वापस 1 से शुरू करता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये सिर्फ क्लॉक होगी जिसमें उतने ही नंबर्स होंगे जितने पेज हमारे पास पेज फ्रेम में है। तो हमारे पास 3 है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1, देखो मैंने यहाँ पे लिखा 1, 2, 3। तो ये क्लॉक अभी 1 पे है, ठीक है। तो 1 नंबर पे जो भी पेज है उसे रिप्लेस करना है, डोंट थिंक एट ऑल, 1 पे जो भी पेज है उसे रिप्लेस करता हूँ। तो मैंने 7 को रिप्लेस कर दिया 2 से, 0 एंड 1 एज इट इज, एंड दिस एरो इंडिकेट पेज फॉल्ट आया था। अब हमें पेज नंबर 0 चाहिए, पेज नंबर 0 पहले से मेमोरी में प्रेजेंट है, मीन सेकंड क्राइटेरिया काम कर गया, तो यहाँ पे कोई पेज रिप्लेसमेंट नहीं होगा। अब हमें पेज नंबर 3 चाहिए, अगेन देखो मेमोरी में अवेलेबल है क्या, नहीं। सेकंड क्वेश्चन, कोई खाली स्लॉट अवेलेबल है क्या, नहीं, तो हमें रिप्लेसमेंट करना होगा। तो क्या होगा, अब घड़ी जो पहले 1 पे थी वो घड़ी अब 2 पे चली गई। तो सेकंड लोकेशन पे जो भी पेज है विदाउट थिंकिंग दैट पेज कि वो पेज कौन सा है उसे रिप्लेस कर दो, करेक्ट है। देन अब नेक्स्ट, अब हमें कौन सा पेज चाहिए, 0, देखो मेमोरी में अवेलेबल है क्या, नहीं। एम्प्टी स्लॉट अवेलेबल है क्या, नहीं। तो घड़ी अब कहाँ पे, घड़ी है अब 3 पे, तो ये 3 नंबर पे जो पेज है उसे रिप्लेस कर दो। सो 2, 3 एंड 0, तो लाइक दैट हमने इस 1 को 0 से रिप्लेस कर दिया। नाउ अब आ रही इंपॉर्टेंट चीज, अब हमें पेज नंबर 4 चाहिए, पेज नंबर 4 है क्या यहाँ पे मेमोरी में अवेलेबल, नहीं है। सेकंड, कोई खाली स्लॉट अवेलेबल है क्या, नहीं है। तो क्या होगा, अब देखो घड़ी 1 से लेके 2 तक गई थी, 2 से लेके 3 तक गई थी, 3 से वापस घूम के 1 पे आ जाएगी। तो 1 लोकेशन पे जो भी पेज है उसे सिंपली 4 से रिप्लेस कर दो, 4, 3, 0, दैट्स इट। डोंट थिंक कि कौन सा पेज ओल्डेस्ट है, कौन सा नया है, डोंट थिंक एट ऑल।
देन नेक्स्ट इज पेज नंबर 2, अगेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, तो नेक्स्ट लोकेशन जो भी है हमने उस लोकेशन पे उस पेज को रिप्लेस कर दिया। अगेन एक चीज़ अगर आप देखोगे ना, तो यारो कंटिन्यूसली डिसेंडिंग डायरेक्शन में जा रहे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो इट इज समथिंग लाइक ये जो क्लॉक है वो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 ऐसे घूमने वाला, करेक्ट है ना। पेज नंबर 3, पेज नंबर 3, 1 2 3 के हिसाब से नेक्स्ट लोकेशन पे चला जाएगा 4 2 3। ने पेज नंबर 0, अगेन 3 के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा, अगेन 1, 4 इज रिप्लेस बाय 0 2 एंड 3। नाउ सी दिस इज हाउ वी सॉल्व अ फीफो। मैं एक बार फिर से बता दूं, हमें सिर्फ क्या करना है, पेज फ्रेम में जो सीक्वेंस है उसे सिर्फ नोट करना है और उसी सीक्वेंस में पेजेस को रिप्लेस करना है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अगर पेज फ्रेम की साइज अगर 4 होती तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के पेज फॉल्ट है 10। तो हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ पेज फॉल्ट पर अल्गोरिदम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज ए न्यू इन्वेंटिव मेथड नोन एज अ क्लॉक मेथड, जहाँ पे सिर्फ आपको सीक्वेंस याद रखना है 1 2 3 4, पेजेस की तरफ देखना भी नहीं और जो सबसे पहले आया ये भी नहीं देखना है, सिर्फ इस सीक्वेंस में पेजेस को रिप्लेस करना है। आई होप यू लाइक इट, सी यू सून इन नेक्स्ट मेथड ऑफ पेज रिप्लेसमेंट। थैंक यू गाइज़।